सर्वोदय विस्तार स्टूडेंट, हम क्लास 5 के 1.1 चैप्टर में चल रहे थे। आज हम क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन 5-6। इन दोनों क्वेश्चन में आपको क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट और इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट नंबर्स को क्या करना है, बेस्ट करना, मतलब लिखना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये नंबर्स दिए गए, ये नंबर्स आपको दिए गए, इन सभी नंबर्स को आपको क्या करना है कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पर क्या करना है, लिखना है। अब देखिए इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, वो समझ लेते हैं पहले। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है कि वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, करोड़, टेन करोड़ और भी आगे चलते हैं, मगर अभी के लिए हम लोग 10 करोड़ तक ही पढ़ेंगे जो आपको बुक्स में आया। उसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम इंडियंस और इंटरनेशनल में दोनों का फर्क है। वो नंबर्स कुछ अलग, वो नंबर्स जो है वो क्या काउंट करते हैं, वंस, थाउजेंड, मिलियन और बिलियंस में, और हम लोग क्या काउंट करते हैं, वंस, थाउजेंड, लाख, करोड़ में। तो आइए हम देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है पहला। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करना है, बेस्ट ऑन करना है। देखिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर को हम क्या करेंगे, पीछे से वहां पर अरेंज करते आएंगे। मतलब ये 6 है तो 6 किस में आएगा, वंस में, तो ये आएगा 6। पहला क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या आएगा, देखिए आएगा मेरे पास 6 8 5 2, टू के बाद क्या आएगा 4 7 3 2 8। ये हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया 6। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब ये सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, यहां देखिए क्या है, 1 7 5 1 7 5, फिर क्या है 8 9 8 9 3 4। ये हो गया बच्चा। अब देखिए ये दोनों हमने क्या कर दिए, अरेंज कर दिए, बट इसमें क्या है, आप देखिए ये तो आपने बेस ऑन कर दिया। बेस ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, इसका नंबर्स राइट भी करना है, मतलब वर्ड्स में भी इसको लिखना है, वर्ड्स में भी इसको लिखना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हुआ है, देखिए यहाँ 8 करोड़ है, क्या है 8 करोड़ 27 लाख 4 थाउजेंड, देखिए क्या गया 42,586। हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 8 करोड़ 27 लाख 42,586। उसी प्रकार से क्वेश्चन नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया 43,98,571। ये आपको जो आप बोल रहे हो उसी को आपको राइट कर देना है इन क्वेश्चन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट को अरेंज करना है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, ये हमारे पास, तो इसको देखिए क्या करेंगे, 9 पहले क्या मेरे पास 9 8, इसको क्या है 7 2 है, इसके बाद क्या है 158, फिर आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 125, उसके बाद क्या है 94, उसके बाद क्या है 63। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये जो आपका दो नंबर दिया गया है इस दोनों नंबर में आपको क्या करना है, इसको आपको लिखना है क्या, ये तो आपने अरेंज कर लिया, लिख लिया इसको, अब आपको इसको लिखना भी है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 85 मिलियन, ठीक है 85 क्या है 85 मिलियन, तो क्या है 122,789। तो ये आपने इसको क्या कर लिया, आपने इसको अरेंज कर लिया, अरेंज करने के बाद इसको नेमिंग भी करना था। तो इसमें नेमिंग कैसे करेंगे, पहला फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था मेरे पास 85,122,789, इसको वर्ड्स में आप लिखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए 3 मिलियन, ये किस में आ रहा है, मिलियन में, तो क्या होगा 3,649,521। इस तरीके से आप क्या करिएगा, प्लेस वैल्यू चार्ट पर इसको अरेंज करिएगा। अरेंज करने के बाद
आप इसको वर्ड्स में भी लिखेगा। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है वर्ड्स में, उसको आपको वर्ड्स में दिया गया है इंडियन प्लेस वैल्यू वर्ड्स में, इंडियन प्लेस वैल्यू वर्ड्स में आपको दिया गया है और उसको आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू वर्ड्स में आपको लिखना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9 आपके फर्स्ट वीडियो में बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्कस कर लिया है। थैंक यू स्टूडेंट, बी सेफ एंड बी प्रैक्टिस।